नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ तीस खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय के नारे के साथ की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आपका प्यार और आशीर्वाद ही मेरी ताकत है। उन्होंने कहा कि यहां यंग जनरेशन बड़ी तादाद में नजर आ रही है, इसलिए यहां युवा जोश भी है। जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस को लेकर स्पेन में एक बड़ा खुलासा हुआ है। स्पेन के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के फोन को भी इस जासूसी स्पाईवेयर के जरिए निशाना बनाया गया। स्पेन के अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जो पेगासस के जरिए नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी करने की रिपोर्ट सामने आई है। अब 12 से 17 आयु वर्ग के बच्चे निजी केंद्रों पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कोविड रोधी टीका कोवोवैक्स लगवा सकते हैं और इस संबंध में कोविन पोर्टल पर प्रावधान किया जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि कोवोवैक्स की एक खुराक के लिए 9,000 रुपए और इस पर GST का भुगतान करना होगा। इसके अलावा अस्पताल के सेवा शुल्क के तौर पर 150 रुपए अदा करने होंगे। तकरीबन 6-7 महीने के अंतराल पर ही देश के समक्ष दोबारा बिजली संकट पैदा होने से सरकार चिंतित है, लेकिन अब इस समस्या के जड़ में जाने को लेकर मंथन शुरू हो गया है। सोमवार को बिजली संकट के स्थायी समाधान को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें बिजली मंत्री आर के सिंह, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के अलावा कुछ दूसरे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में बिजली मंत्रालय में गैस और कोयले की कमी की वजह से फंसे बिजली संयंत्रों को शुरू करने पर नए सिरे से विचार शुरू हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज ईद के मौके पर लोगों को संबोधित किया। ममता बनर्जी ने कहा कि देश में जो फूट डालो राज करो की नीति चल रही है वो ठीक नहीं है। अलगाव की राजनीति चल रही है वो भी ठीक नहीं है। हम एकता चाहते हैं, हम सारे जहां के से अच्छा हिंदुस्तान हमारा चाहते हैं। लोगों का वक्त आता है लेकिन एलन मस्क का दौर आया है। जादू ऐसा कि जिस चीज को हाथ लगा दे सोना बन जाए। तरक्की ऐसी कि दुनिया में कोई भी धन कुबेर मुकाबले में कहीं आसपास भी टिक नहीं सके, लेकिन वो खुद को धन कुबेर से ज्यादा इंजीनियर कहलवाना पसंद करते हैं। वजह है विज्ञान और तकनीक में खुद इस हद तक डूबे रहते हैं कि दुनिया में हो रहे हर नए काम से नाम खुद ब खुद जुड़ जाता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों नेपाल के निजी दौरे पर है। राहुल गांधी का नेपाल दौरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें वो काठमांडू में नाइट क्लब में नजर आ रहे हैं। कम कीमत वाला एक शेयर कुछ ही साल में मल्टीबैगर स्टॉक बन गया है। ये शेयर अजंता फार्मा का है। अजंता फार्मा के शेयर पिछले कुछ ही साल में 7 रुपए से बढ़कर 1800 रुपए के पार पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर ने इस पीरियड में 24,000% से ज्यादा रिटर्न दिया है। यानी कि कंपनी के शेयरों ने निवेशकों को मालामाल करने का काम किया। अब फार्मा कंपनी अपने निवेशकों को बोनस शेयर देने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील के व्यंजन सूची से चिकन सहित मीट उत्पादों को हटाने और डेयरी फार्म बंद करने संबंधी लक्षद्वीप प्रशासन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को केंद्र और अन्य से जवाब मांगा। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और एएस बोपन्ना की पीठ ने केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर भारत सरकार, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और अन्य को नोटिस जारी किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को संभवत यूक्रेन पर हमले की बागडोर किसी और को सौंपनी पड़ सकती है। डेली मेल के रिपोर्ट में टेलीग्राम के प्रसिद्ध चैनल जनरल SVR के हवाले से कहा गया है कि पुतिन पेट के कैंसर से पीड़ित है और वो इसकी सर्जरी कराने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। भारतीय डाक विभाग ने कई पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। बड़ी बात यह है कि इस भर्ती में 10वीं पास कैंडिडेट्स भी शामिल हो सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की प्रोसेस 2 मई से शुरू हो गई है। अगर आप इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 5 जून 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके बाद उन्हें वेतन बढ़कर 31% मिलेगा। वहीं ये वेतन मई महीने से भुगतान किए जाएंगे। हालांकि इसके साथ ही अब राज्य शासन के वित्त विभाग ने अब प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते मई महीने से बढ़कर उनके खाते में आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के 3 देश की यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले चरण में वो सोमवार को जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे, जहां उन्होंने जर्मनी के चांसलर से मुलाकात कर दोनों देश के रिश्तों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की है। जर्मन चांसलर से मुलाकात के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत की तरफ से सेदाली नाम का तोहफा दिया। भारत में कोरोना संक्रमण के केस जहां धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वहीं पड़ोसी देश चीन में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण हालात बेकाबू हैं। चीन के करीब 26 शहरों में कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है और करीब 21 करोड़ से ज्यादा लोग घरों में कैद हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण चीन में 1 मई को मजदूर दिवस पर होने वाले सभी सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। चीन के बीते 73 साल के इतिहास में ऐसा पहला मौका है जब 1 मई को मजदूर दिवस पर कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है।
सरकार ने राज्य की 5 में से 2 कंपनियों को बंद करने का फैसला किया है। इसके तहत होल्डिंग कंपनी के का परेशान और ट्रेडिंग कंपनी को वितरण कंपनी में मर्ज किया गया है। कंपनी प्रबंधन का दावा है कि इस फैसले से खर्च में करीब 10% की कमी आएगी। इसके विपरीत जानकार ये कह रहे हैं कि इन दोनों कंपनियों के बंद होने से खर्च पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन कंपनियों में दूसरी बिजली कंपनियों के स्टाफ की प्रतिनियुक्ति पर काम करते हैं। इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार जो पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो इंडिया पोस्ट GDS भर्ती लिंक indiapostgdsonline.gov.in पर आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी जारी रहने के बीच बिजली की अधिकतम मांग सोमवार को बढ़कर 6,194 मेगावाट हो गई है, जो कि मई के पहले हफ्ते में अब तक का सबसे ज्यादा लंबा रिकॉर्ड है। ये जानकारी अधिकारियों ने दी है। बिजली की मांग अप्रैल में पहली बार 6,000 मेगावाट से अधिक हुई थी। इस दौरान अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के बीच अप्रैल के अंतिम हफ्ते में ये कई दिन 6,000 मेगावाट से अधिक थी। भारत में 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत जल्द हो सकती है, क्योंकि इस मामले में टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने स्वतंत्रता दिवस को 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि स्पेक्ट्रम की बिक्री शुरू हो चुकी है और जून तक ये प्रोसेस खत्म होने की संभावना है। दिल्ली सरकार के स्कूलों के विद्यार्थी अब फ्रेंच भाषा भी सीखेंगे। आज के दौर में काम, शिक्षा और यात्रा के साथ साथ दुनिया भर की संस्कृतियों के बारे में समझ बनाने के लिए ग्लोबल लैंग्वेज की नॉलेज होना बेहद जरूरी है। ऐसे में अपने स्कूलों के छात्रों को वैश्विक पहचान और अनुभव देने के लिए दिल्ली सरकार के दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने सोमवार को इंस्टीट्यूट फ्रांसिस एन इंड के साथ समझौता ज्ञापन साइन किया है। देश दुनिया में ईद का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। आमजन से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स भी इस दिन को दिल से मनाते हैं और अपने फैंस को मुबारकबाद भी देते हैं। कई सेलेब्स ईद के मौके पर अपने शानदार पार्टी का ऑर्गेनाइज भी करते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इस बार सलमान खान ने ईद पार्टी की जिम्मेदारी अपनी बहन अर्पिता खान को दी है। अर्पिता पति आयुष शर्मा के साथ मिलकर अपने नए अपार्टमेंट में ईद पर ग्रैंड पार्टी दे रही है। वहीं दूसरी तरफ कई सेलेब्स ने अपने अपने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को ईद की बधाई दी है और मैसेज लिखा है। केंद्रीय मंत्रालय के अनुसार मंगलवार को सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटे में देश भर में कोविड-19 के 2568 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कुछ राज्यों में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारों ने कई जिलों में मास्क लगाना भी अनिवार्य कर दिया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 20 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। भारत में कोरोना की शुरुआत से अब तक कुल 5,23,889 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 2,911 कोविड मरीज ठीक भी हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खबर आई है। AICPI ने मार्च के आंकड़े जारी करते हुए एक अंक की बढ़ोतरी बताई है। ऐसे में एक बार फिर से महंगाई भत्ता बढ़ना तय माना जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि कर्मचारियों का जुलाई में 4% तक महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% से 37% या 38% हो सकता है। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने जब से ट्विटर को खरीदा है वहां कर्मचारियों को लगातार अपनी नौकरी खोने की चिंता सता रही है। पिछले कुछ हफ्ते में CEO पराग अग्रवाल ने छटनी, ट्विटर के भविष्य और दूसरे तमाम तरह के सवाल किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि मस्क ने पहले ही ट्विटर के लिए एक नए CEO का चयन कर लिया है, जो इस साल के अंत में $44 बिलियन की बिक्री डील पूरी होने के बाद अग्रवाल की जगह लेंगे। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अपनी पीठ की मांसपेशियों के खिंचाव के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बाद घर लौट आए हैं। धर्मेंद्र, जो कथित तौर पर करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग कर रहे थे, मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाए गए थे। अभिनेता ने रविवार को पुष्टि की है कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वो वर्तमान में ठीक हो रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें उन्होंने अपने प्रशंसकों और अनुयायियों को सूचित किया कि वो उनकी शुभकामनाओं और आशीर्वाद के साथ घर वापस आ गए हैं। हीरो इलेक्ट्रिक पिछले कुछ समय से भारत में नंबर 1 इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड रहा है। बिक्री चार्ट पर इसकी स्थिति को ओका, नावा और एम्पियर की पसंद से शायद ही कभी खतरा था, लेकिन बिक्री चार्ट पर ओला इलेक्ट्रिक के आने के बाद से हीरो इलेक्ट्रिक के नंबर 1 स्थिति पर खतरा मंडरा रहा था। मोदी सरकार ने रक्षा खरीद नीति में आमूलचूल बदलाव करते हुए बाय ग्लोबल की श्रेणी समाप्त करने का फैसला लिया है। श्रेणी के तहत विदेश में बने रक्षा से जुड़े साजो सामान का आयात होता था, इसके बजाय मेक इन इंडिया के तहत तमाम रक्षा उपकरणों का भारत में ही निर्माण किया जाएगा। इस कड़ी में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने एक कदम बढ़ा भी दिया है। DRDO ने भारत में 155mm 52 कैल एडवांस टोल आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण में 26 अप्रैल से 2 मई के बीच पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अंजाम दिया गया है। बांग्लादेश ने अपने चिटागांग बंदरगाह, इसे चटगांव भी कहते हैं, का रास्ता भारत के लिए खोल दिया है। यह बंदरगाह सिर्फ 2 देश के बीच औद्योगिक या कूटनीतिक संबंधों को ही प्रगाढ़ नहीं करेगा, बल्कि भारत के साथ पूर्वोत्तर राज्यों के साथ म्यांमार, भूटान, नेपाल जैसे एशियाई देशों के रिश्तों की दशा और दिशा बदलने वाला प्रोजेक्ट भी होगा।
विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में एक ट्रक को भारत से बांग्लादेश पहुंचने में 138 घंटे लगते हैं और 55 हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। अब ये रास्ता सुगम हो जाएगा। अमेजॉन समर सेल 2022 4 मई से शुरू होने की पूरी तैयारी कर चुका है। ये अमेजॉन का वार्षिक उत्सव सेल है जिसमें स्मार्टफोन और कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स पर कई ऑफर और छूट दी जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कठिन आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लोगों की मदद करने को लेकर राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को सोमवार को धन्यवाद दिया है। श्री स्टालिन ने एक ट्वीट में कहा है कि इस मानवीय भाव का सभी द्वारा बहुत स्वागत किया जाएगा और इससे दोनों राष्ट्रों के बीच गर्मजोशी और सौहार्द को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। पटना राजधानी पटना में प्रदेश भर के भूमिहारों को एक मंच पर लाने के लिए बहुत बड़ी कवायद मंगलवार को हो रही है। दरअसल भूमिहार ब्राह्मण एकता सम्मेलन के बैनर तले राज्य के सभी हिस्सों में बड़ी संख्या में भूमिहार इसमें शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन के प्रमुख कर्ता धरता और भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार का स्पष्ट कहना है कि ये एक राजनीतिक आयोजन नहीं है। ईटीवी भारत से विशेष बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि जो भूमिहार का सम्मान करेगा भूमिहार उसके साथ होंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है विकास बिहारी, अमन कुमार, प्रिया यादव ऑफिशियल, राहुल चौहान, दिलकुश कुमार, राजदीप कुमार, कृष्णा पासवान, सुवेश कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री अब तक का कौन रहा है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।